ड्रोन हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को दी गई ब्रीफिंग, बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल शामिल। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर 2 घंटे तक हुई बैठक, ड्रोन वाले आतंकवाद से निपटने को लेकर चर्चा। ड्रोन हमले को लेकर कांग्रेस हमलावर, का हेडलाइन मैनेजमेंट की जगह रक्षा विशेषज्ञों से सलाह ले सरकार। डीआरडीओ ने बनाई हार्ड किल नाम की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3 किलोमीटर तक माइक्रो ड्रोन को तबाह किया जा सकेगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची एनआईए की टीम, ड्रोन हमले की जांच करेगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया ड्रोन अटैक का मुद्दा, आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों से लैस ड्रोन के इस्तेमाल पर ध्यान देने को कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में गृह मंत्रालय के विशेष सचिव ने कहा, ड्रोन के जरिए विस्फोट करना और विस्फोटक ले जाना दुनिया भर में सुरक्षा एजेंसियों के लिए बना चुनौती। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में एनएचआरसी की टीम पर हंगामा, एनएचआरसी का बयान, जादवपुर में जले मिले 40 घर। एनएचआरसी पर हमले को लेकर बोले बाबू सुप्रियो, कहा एनएचआरसी पर हमला शर्मनाक है, ममता बनर्जी को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। बंगाल में हुई चुनावी हिंसा को लेकर गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, हिंसा में 25 लोगों की मौत हुई। गृह मंत्रालय करेगा रिपोर्ट की जांच, हिंसा से डरकर लोगों ने दूसरे राज्यों में पलायन किया। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता ने एनएचआरसी मेंबर को लिखा खत, कहा तारकेश्वर में चुनाव के बाद लगातार हिंसा हो रही है। जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा दूसरी लहर में कुछ विपक्षी पार्टियां क्वारंटीन में हैं तो कुछ आईसीयू पहुंच गई हैं। एआईएमआईएम के यूपी में चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने सवाल उठाया, औरंगाबाद के सांसद ने एआईएमआईएम ज्वाइन करने का न्योता दिया। संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते में बुलाने की तैयारी, 19 जुलाई से 13 अगस्त तक हो सकता है सत्र, संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने सिफारिश की। पंजाब से दिल्ली पहुंचे नवजोत सिद्धू, राहुल गांधी का बयान, सिद्धू से अभी नहीं हुई मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, बंगाल में 5 साल बाद सरकार बनाने के लिए लड़ेगी बीजेपी। बंगाल में खत्म हुई कांग्रेस और सीपीएम, विधानसभा चुनाव में बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची। जेपी नड्डा ने तृणमूल पर साधा निशाना, कहा जहां भी टीएमसी है वहां हिंसा हुई, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सुनियोजित हिंसा करवाई गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मंत्रियों की नाराजगी दूर करने के लिए की मुलाकात। शिवसेना ने जारी किया व्हिप, 5 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र के दौरान सभी शिवसेना विधायक मौजूद रहेंगे। 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, डिजिटल इंडिया ने पूरे किए 6 साल। G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में एस जयशंकर का संबोधन, कहा आज के वक्त में ग्लोबल पॉलिसी बनाने की जरूरत। विदेश मंत्री ने यूके इंडिया 2030 का रोडमैप बताया, बोले कोविड से लेकर क्लाइमेट चेंज तक कई समान समस्याएं हैं। एमबी एक्सप्रेस पर्ल की तलाश, श्रीलंका की अपील पर समंदर के अंदर सर्वे कर रहा है आईएनएस सर्वेक्षण। कडनकुलम रिएक्टर के यूनिट 5 का निर्माण शुरू, फाउंडेशन प्लेट पर डाला गया पहला कॉन्क्रीट। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलएसी का दौरा किया, सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत करके बढ़ाया हौसला। वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने बांग्लादेश वायुसेना अकेडमी में आयोजित पासिंग आउट परेड का किया निरीक्षण, चीफ ऑफ एयर स्टाफ भी रहे मौजूद। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 10वें स्थान पर भारत, इससे पहले 47वें स्थान पर था। ट्विटर इंडिया के केस में 5 जुलाई तक टली सुनवाई, यूपी पुलिस के वकील की अपील पर 5 जुलाई को होगी सुनवाई। संसदीय समिति के सामने हुई फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों की पेशी, नए आईटी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। जनवरी से मार्च 2021 के बीच यूट्यूब से हटाए गए 9 मिलियन से ज्यादा वीडियो, गूगल ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्विटर से पूछा, किस आधार पर ब्लॉक किया गया उनका और रविशंकर प्रसाद का अकाउंट, 2 दिन के अंदर जवाब दें। NCPCR ने ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाया केस, बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री नहीं हटाने का आरोप। भोपाल में साइबर सेल ने ट्विटर इंडिया के MD के खिलाफ दर्ज करवाई FIR, भारत का गलत नक्शा दिखाने का मामला। फेसबुक IT रूल्स के मुताबिक हटाई गई आपत्तिजनक सामग्री के बारे में 2 जुलाई को अंतरिम रिपोर्ट करेगा प्रकाशित, 15 जुलाई को देगा आखिरी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर खारिज की याचिका, याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती, हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य रोकने से इनकार किया था। बुधवार को रिटायर होंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव, LG अनिल बैजल ने स्वीकृति से आदेश जारी। बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। दिल्ली के ज्योति नगर में पार्किंग विवाद पर झगड़े में 6 घायल, केस दर्ज। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का खुलासा, पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार किया, पैसे नहीं देने पर गोली मारी। दिल्ली में अगले 5 दिन तक मानसून के आसार नहीं, 5 जुलाई तक यूपी बिहार में हो सकती है भारी बारिश। यूपी के महोबा में नाबालिग से 4 लोगों ने किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर करवाया गर्भपात, 1 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक से दिल्ली रवाना हुई किसान रेल, CM येदियुरप्पा ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली के CM केजरीवाल का बड़ा ऐलान, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को देंगे 300 यूनिट फ्री बिजली। यूपी के धर्मांतरण गिरोह से जुड़े 3 और लोग गिरफ्तार, मुख्य आरोपी मौलाना उमर और जहांगीर से पूछताछ के बाद ETS ने किया अरेस्ट। यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे को संसद में उठाएंगे बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा देश में हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है एक बड़ा सिंडिकेट।
महंगे पेट्रोल पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अजीबोगरीब सुझाव, लोगों को साइकिल चलाकर सब्जी मार्केट जाने को कहा, फिटनेस का तर्क दिया। देश की राजधानी में शतक लगाने के नजदीक पहुंचा पेट्रोल, दिल्ली में पेट्रोल 98.81 रुपए, मुंबई में 104 रुपए प्रति लीटर के पार। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में एक गांव में लगी भीषण आग, 12 घर जलकर खाक। जुलाई में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलेंगे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, कहा मुस्लिम अल्पसंख्यकों में गरीबी मिटाने का एकमात्र तरीका है पॉलिसी। देश में कोरोना केसेस में भारी गिरावट, एक दिन में 37,000 केसेज आए, 24 घंटे में 907 लोगों की मौत। देश में कोरोना की पीक में आई 91% की गिरावट, कुछ हफ्तों में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना केस। वैक्सीनेशन में भारत ने अब अमेरिका को पीछे छोड़ा, देश में 163 दिनों में 32 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। जून में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी, अब तक 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी पहली डोज। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को DGCI ने मंजूरी दी, देश में चौथी वैक्सीन होगी मॉडर्ना। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन मॉडर्ना की लगेंगी 2 डोज, नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल का बयान। देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और मॉडर्ना वैक्सीन उपलब्ध, जल्द फाइजर के साथ डील पर लगेगी मुहर। गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन सुरक्षित, वैक्सीनेशन के लिए जल्द जारी होगी एडवाइजरी। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। G20 समिट में एस जयशंकर ने वैक्सीन पर समानता का मुद्दा उठाया, बोले कोविड से जंग में मेडिसिन, PPE किट और ऑक्सीजन जैसी बहुत चीजें और चाहिए। 5 जुलाई से हो सकती है सीए की परीक्षाएं, सुप्रीम कोर्ट ने ICAI से 5 बिंदुओं पर मांगा स्पष्टीकरण। एम्स से डिस्चार्ज हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कोरोना से जुड़ी दिक्कतों की वजह से तेवर थी। गंगाराम हॉस्पिटल में 5 कोरोना मरीजों में पाया गया CMV इन्फेक्शन, इलाज में के 20 से 30 दिनों बाद मरीजों में ब्लीडिंग की परेशानी। कोलकाता में फेक वैक्सीन मामले में होगी CBI जांच, बुधवार को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक पंडालों में होगी 4 फीट की मूर्ति, आरती के लिए भीड़ जमा नहीं करने के आदेश। महाराष्ट्र में कृत्रिम तालाबों में होगा गणपति विसर्जन, विसर्जन के लिए ढोल नगाड़ों और जुलूस पर पाबंदी। पंजाब में शर्तों के साथ 10 जुलाई तक बढ़ाई गई पाबंदियां, डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखते हुए फैसला। जयपुर में शादियों के आयोजन से पाबंदियां हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, शादी में लोगों की संख्या बढ़ाने की मांग। पर्यटकों के लिए खुला कॉर्बेट पार्क, पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगी जंगल सफारी, नाइट स्टे पर रोक जारी। जॉनसन एंड जॉनसन भारत में नहीं करेगा अपनी सिंगल डोज वैक्सीन का परीक्षण। पंजाब में वैक्सीन की 1 लाख डोज बची, CM अमरिंदर सिंह ने की वैक्सीन की मांग, कहा 2 महीने में 18+ वालों की वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। झारखंड में एक दिन की वैक्सीन बाकी, केंद्र से बातचीत जारी, जल्द वैक्सीन मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में 3 बच्चों ने दी डेल्टा प्लस वेरिएंट को मात, रत्नागिरी में अब तक डेल्टा प्लस के कुल 9 मामले आए। नागपुर में ब्लैक फंगस पर प्रभावी इंजेक्शन से मरीजों में हुआ रिएक्शन, अस्पताल प्रशासन ने लगाई इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक। चारधाम की यात्रा नहीं होगी, उत्तराखंड सरकार ने रद्द किया फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,085 नए मामले, 24 घंटे में 231 मौतें। दिल्ली में कोरोना के 101 नए केस, 24 घंटे में 4 मौतें। केरला में कोरोना के 13,550 नए मामले, 24 घंटे में 104 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 3,222 संक्रमित, 24 घंटे में 93 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में कोरोना के 4,512 नए मामले, 24 घंटे में 118 मौतें। ओडिशा में कोरोना के 2,640 नए केस, प्रदेश में पिछले 3 महीनों में सबसे कम आंकड़ा। रूस में एक दिन में रिकॉर्ड 652 लोगों की मौत हुई, 20,000 से ज्यादा केस आए। ऑस्ट्रेलिया में सभी युवाओं को लगेगी AstraZeneca वैक्सीन, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए फैसला। पाकिस्तान के लाहौर में एक मार्केट में सीरियल ब्लास्ट हुए, कई सिलेंडर फटने से दुकानें तबाह हुई। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया। बगदाद में शिया लड़ाकों के समर्थकों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया, अमेरिकी एयर स्ट्राइक में मारे गए लड़ाकों को दी गई श्रद्धांजलि। जर्मनी में आए तूफान से क्षतिग्रस्त हुआ स्टुटगार्ट का ओपेरा हाउस, पूरी रात फायर फाइटर्स ने चलाया ऑपरेशन। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग बुझाई गई, 1200 एकड़ में फैली थी आग। UN ने कनाडा में खतरनाक गर्मी के लिए दी चेतावनी, 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पोर्टलैंड में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई, कहा गर्मी से हो सकती हैं कई बीमारियां। यूरोपियन संघ ने दिया पाकिस्तान को झटका, कहा FATF के निर्देशों का पालन बहुत जरूरी। UAE और ओमान में होगा ICC T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला, 17 अक्टूबर से होगी शुरुआत, 14 नवंबर को होगा फाइनल। शिखर धवन की अगुवाई में श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया की दूसरी टीम, दोनों देशों के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज। तीरंदाजी विश्व कप में जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, कहा दूसरों के लिए प्रेरणा बने सभी खिलाड़ी। अर्जुन अवार्ड के लिए खिलाड़ी अंकिता और प्रजनेश का नाम भेजा गया, दोनों ने एशियन गेम्स 2018 में जीता था कांस्य पदक। जून 2022 तक नीति आयोग के CEO रहेंगे अमिताभ कांत, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा। डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरा रुपया, 74.23 रुपए पर बंद। गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 185 अंक और निफ्टी 66 अंक नीचे आया। और स्टेट बैंक में 1 महीने में 4 बार से ज्यादा पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज, 1 जुलाई से 15 रुपए।